तो कहने का ये मतलब इस सब में से कुछ भी है ना आपके पास, आप एक यूट्यूबर बन सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आपके पास ये छोटा सा। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं मिताभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। मतलब कि जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में जो होते हैं तो अपने आप में हर एक आदमी डिफरेंट होता है, हर किसी के अंदर एक अलग क्वालिटी होता है। बट मतलब कोई कहीं ना कहीं सामने वाले के मन के अंदर होता है काश मैं भी यूट्यूब चैनल पे मतलब यूट्यूब पे वीडियो डाल पाता, बट उनको सही वे मालूम नहीं है, या फिर कहीं यूट्यूब पे देख लेते हैं कुछ गलतियां वो लोग कर देते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने मतलब क्या क्या करके ग्रो किया मेन चैनल पे, एंड देन मैं मिथिला ब्लॉग्स पे क्या क्या कर रहा हूँ ग्रो होने के लिए। तो पहली बात कि यूट्यूब चैनल खोलने के ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये आईफोन है, ये K20 फोन एंड्रॉयड फ़ोन है, ये रेडमी नोट 5 प्रो है, ठीक ना। और पीछे पीसी है, ये जब देखें पीछे पीसी हो गया। तो कहने का ये मतलब इस सब में से कुछ भी है ना आपके पास, आप एक यूट्यूबर बन सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आपके पास ये छोटा सा मतलब सस्ते वाला रेडमी नोट 5 प्रो, इन सब के मुकाबले तो सस्ता ही हो, K20 प्रो और आईफोन के मुकाबले सस्ता ही फोन है। बट इसका ये मतलब नहीं कि ये वो काम नहीं कर सकता, जैसे कि इससे भी आप सेम ही काम करोगे, इससे भी सेम ही काम करोगे, और ये जो आईफोन है यहाँ पे 36,000 का, इससे भी आप वही काम करोगे, और ये जो पीसी आप देख रहे हो पीछे, इससे भी आप वही काम करोगे। मतलब कि इट डजेंट मैटर कि आपके पास पीसी है, स्मार्टफोन है या कुछ भी है, आप अगर आपके अंदर अगर लगन हो ना तो आप यूट्यूब पे आग लगा दोगे। तो कहने का ये मतलब कि भगवान ने हम लोग को हर किसी को डिफरेंट बनाया, हर किसी के अंदर अपना एक काबिलियत होता है। तो आप लोग अगर अपना दिखाना चाहते हो, एक क्या कहते हैं उसको, अपने अंदर का जो काबिलियत है, आपके अंदर जो भी कला है उसको दिखाना चाहते हो, यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप लोग दिखा सकते हो। और बात आता है यूट्यूब पे आप दिखाओगे, बट यूट्यूबर सब आप सोचते होगे ना कभी कि यूट्यूबर सब वीडियो डालता है तो क्या उनको प्रॉफिट होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी यूट्यूबर फ्री में वीडियो नहीं बनाता है, यूट्यूब उसको पे करती है एक लेवल के बाद। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी यूट्यूब से हमको पे नहीं मिल रहा है, मतलब यूट्यूब अभी हमको पे नहीं कर रहा है। बट इन फ्यूचर जैसे कि मेरा 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटा कंप्लीट हो जाता है, इसके बारे में आगे बात करूंगा, बट मैं शॉर्ट आपको हाईलाइट दे देता हूं। जैसे मेरा 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटा कंप्लीट हो जाता है, तो इन फ्यूचर जब मेरा चैनल एक लेवल पे पहुंच जाएगा, एक लेवल पे मीन्स डैट कि उस पे लगभग 50 से 60 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएगा और हर वीडियो पे लगभग 20-30 हज़ार व्यू आएगा, आप महीना का आराम से 30 से 40 हज़ार कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। तो यूट्यूब आपको पे करेगा। और यहाँ पर मैं एक बार ये भी कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पैसा देता है और नहीं भी देता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेस का यूट्यूब चैनल खोलने का। आप पहले खुद शांत बैठ करके सोचिए आपके अंदर कला क्या चीज़ का है, आप क्या ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, आप टेक फील्ड में जाना चाहते हो, ब्लॉगिंग फील्ड में जाना चाहते हो, कॉमेडियन फील्ड में जाना चाहते हो, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी है यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपको सोचना है कि हमको मेरे अंदर बेस्ट हम दिखाना क्या चाहते हो ऑडियंस को। तो फिलहाल आपको पहले मैं कुछ बता देता हूँ, इसको स्किप मत कीजिएगा। आप डायरेक्टली किसी भी यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, तो डायरेक्टली मोबाइल से शुरू करता है कि भाई देखो ये ऐसे शुरू किया जाता है, मतलब ऐसे चैनल खोला जाता है। बट मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, यूट्यूब पे नंबर वन रूल कि आप कभी किसी का वीडियो उठा करके मत डालिएगा। जैसे कि कभी किसी का सॉन्ग यूज़ नहीं करना, लाइक टी सीरीज़ का कोई सॉन्ग है तो हमको यूज़ नहीं करना अपने वीडियो में। NCS का सॉन्ग है विथ लाइसेंस, आप यूज़ कर सकते हो, उसका लिंक सॉन्ग का आपको डिस्क्रिप्शन में देना होगा, देन आप यूज़ कर सकते हो फेयर यूज़। और दूसरी बात ये कि किसी का वीडियो कॉपी नहीं करा, जैसे खान सर बटना हुआ है तो उसका उठा के हम अपने चैनल पर डाल दिए। और खान सर को देखिए एक बात होता है, जैसे कि हम लोग का यूट्यूब होता है ना, मैं क्रिएटर, अगर आप मेरा वीडियो यूज़ कर रहे हो तो मेरे पे नोटिफिकेशन पीछे डैशबोर्ड पे आ जाता है, मोबाइल हो चाहे पीसी हो, कहीं भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि मैं वीडियो यूज़ किया, भले आप 5 सेकेंड 10 सेकेंड का ही क्लिप क्यों नहीं यूज़ किया हो, हमको नोटिफिकेशन आ जाता है। यूट्यूब इतना आप लोग को क्या फैसिलिटी देता है। तो आपको किसी का वीडियो यूज़ नहीं करना है, और बस यही कुछ रूल था, और बेफिक्र होकर काम कीजिए। तो देखिए मेरे पास तो ऐसे K20 प्रो भी है, आईफोन भी है, ठीक ना, ये सब समझ आई, तो मोह माया है। तो हम लोग आज रेडमी नोट 5 प्रो यूज़ करेंगे, क्योंकि आई थिंक इस सबसे इस दोनों फ़ोन से इसका प्राइस कम है, तो सामने वाले मैं ऑडियंस के साथ बेटर इंटरेक्ट कर पाऊँ कि भाई सस्ते फ़ोन से भी वो काम हो सकता है, और आप लोग यूट्यूब पे आकर के अपना कला, अपने अंदर का जो छुपा हुआ कला है अपना दिखा सकते हो आप यूट्यूब पे। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल भी यूट्यूब नहीं, अगर हम कर सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं कर पाइएगा। आप लोग तो फैमिली, आप लोग को बताना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं डैशबोर्ड पे, मतलब फ़ोन पे देख लेते हैं हम लोग को क्या क्या जरूरी पड़ेगा यूट्यूब चैनल खोलने के लिए। पहले फ़ोन से देख लेते हैं, देन पीछे डेस्कटॉप है, जिसके पास डेस्कटॉप होगा तो वो डेस्कटॉप पे भी क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम लोग पहले फ़ोन पे खोलेंगे देन डेस्कटॉप पे खोलेंगे। दोनों बताना जरूरी है ना, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के पास फ़ोन होगा एंड बहुत सारे के पास डेस्कटॉप होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फ़ोन के साथ। ये रेडमी का नोट 5 प्रो है, और इसी के बारे में हम MIUI 12 का बताए थे कि कैसे आप अपडेट कर सकते हो। ऊपर आई बटन में आप देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन आता रहेगा, इधर से पॉपअप होगा, देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले फ़ोन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या करना है इसमें और कैसे यूट्यूब चैनल खुलेगा।
तो दोस्तों ये हो गया कुछ स्मार्टफोन का डैशबोर्ड। अब हम लोग इसमें YouTube ओपन करेंगे, देन हम लोग पहले ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे। मैं आपको स्क्रैच से बताता हूँ, स्क्रैच यानी कि 0 to 100 कि मतलब मैं लो लेवल से हाई लेवल तक कैसे YouTube चैनल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो मैं पूरा बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर खुद का एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लेंगे। तो जो पासवर्ड है, पासवर्ड मोबाइल का जो पासवर्ड होता है वो आ गया ब्लॉक, देन हम लोग इसमें ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे। क्रिएट अकाउंट, इसमें पूछेगा बिजनेस या फिर माई सेल्फ, मतलब खुद के लिए, तो खुद के लिए हमको चाहिए, बिजनेस तो कोई करना नहीं है। यार हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देते हैं, जैसे कि हमको चैनल खोलना है कि दरभंगा के कुछ नाम से, जैसे कि हम दरभंगा से हैं तो मिथिलांचल कर लेते हैं, मिथिलांचल ब्लॉग्स। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो डेट ऑफ बर्थ इसमें फिलअप कर दीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो। लाइक मेरा है 06 06 2004 2004, जेंडर मेल या फीमेल, जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ पे डाल करके देन नेक्स्ट कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मिथिलांचल ब्लॉग्स नाम का ईमेल आईडी खाली है, मतलब कि क्या कहते हैं किसी ने लिया नहीं हुआ है। तो ब्लॉग्स मिथिलांचल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम या फिर मिथिलांचल ब्लॉग्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस पर आप कर सकते हैं। हमको ये पसंद आ गया तो इस पर हम क्लिक करते हैं, या फिर आपका जो भी मन हो आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो, ईमेल आईडी से होता कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट किया, आपको बोला पासवर्ड चुनने के लिए, कोई भी एक पासवर्ड आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, देन पासवर्ड को कंटिन्यू करके हम लोग आगे करेंगे। तो यस यहाँ पे यस करना, यस आई एम इन, देन हम लोग ईमेल आईडी तैयार हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे एग्री, तो इस पर हम लोग को मतलब नो थैंक्स करना, बिकॉज ऑफ इस यूट्यूब आपसे पूछ रहा है किस चीज़ में इंटरेस्ट है, गाना सुनने में, वीडियो देखने में, डांस में, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस पर आपको क्लिक करना। हम नो थैंक्स करते हैं, देन इस पर जाएंगे हम लोग यहाँ पे मिथिलांचल ब्लॉग्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, यहाँ पे हम लोग को माई चैनल क्लिक करना है। देन ये यूट्यूब पूछ रहा है हमसे आप मतलब ये जो चैनल है आप किस नाम से बनाना चाहते हो, मिथिलांचल ब्लॉग्स नाम से ही या फिर किसी और नाम से आप बनाना चाहते हो, आपका जो भी मन हो ETC, आप जो भी चैनल का नाम रखना चाहते हो उस हिसाब से आप पहले इसमें नाम भर लीजिए, ठीक ना, नाम भरने लीजिए मतलब फिलअप कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो क्रिएट अ चैनल, देन हम लोग का चैनल बन के तैयार हो चुका है। ये हो गया हम लोग का मिथिलांचल ब्लॉग्स क्रिएट। अब इस पर आप तुरंत मतलब वीडियो डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये हो गया कुछ मोबाइल का, मोबाइल से हम लोगों ने मतलब यूट्यूब चैनल यहाँ पर क्रिएट किया है। अब आप इसमें चाहो तो अबाउट सेक्शन भर सकते हो, यहाँ पे एडिट चैनल क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आप चाहो तो क्या कहते हैं इसका, यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो। लाइक अगर मैं देखता हूँ कोई प्रोफाइल फोटो हो देख लेता हूँ, वो लगा देंगे, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। हाँ ये वाला MIUI 12 का है तो हम यही लगा देते हैं, मेरे पास अभी यही है, आप अपने हिसाब से जो चाहो ना वो लगा सकते हो, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, हम लगा दिए, देन यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो आप किस बारे में मतलब चैनल है। लाइक हम अभी तो हमको कुछ दिमाग में आने लिख देते हैं द ब्लॉग हो गया। तो हम डिस्क्रिप्शन में आप जितना चाहो ना मतलब भर सकते हो, इसके अंदर आप अपने चैनल का पूरा दे सकते हो, बायोडाटा कि आप कब कब वीडियो डालते हो, आपका सोशल मीडिया हैंडल क्या हो गया, सब कुछ आप इसमें भर सकते हो। देन यहाँ पे ये फोटो लोड ले रहा है, तो हम लोग पैक कर लेते हैं और देखते हैं हम लोग का अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ फोटो। माय चैनल पे क्लिक किए, आई थिंक फ़ोटो ले लिया हो, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फोटो सेव हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये हम लोग का चैनल मतलब ओपन हो चुका है। अब आप लोग इस पर चाहो तो वीडियो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम अलाउ टू एक्सेस कर लेते हैं, जैसे मेरे चैनल पर कोई हमको वीडियो अभी डालना है जस्ट, तो हम एक वीडियो अपलोड करते हैं लाइक ये वाला, ठीक है। तो हम इस पर टाइटल कुछ भी डाल देते हैं, ETC E2Z कुछ भी हम डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन आप मतलब किस बारे में वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। लोकेशन ऐड टू प्लेलिस्ट, अगर आपका प्लेलिस्ट है ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, आप बना लीजिएगा बाद में, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये था कुछ चैनल खोलने का प्रोसेस मोबाइल में, ठीक है। हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं इसको, और इस चैनल पर आपको नज़र रखने के लिए कि पूरा जो कैसे वर्क कर रहा है, इसके लिए आपको दो प्रोसेस है, या तो आप क्रोम से कर सकते हो डेस्कटॉप साइट के थ्रू, या फिर हम लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे देन सर्च करेंगे YT Studio। ये हो गया YT Studio का, इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। एक तो आप इससे अपने चैनल का थंबनेल और क्या कहते हैं इसको थंबनेल हो गया और टाइटल टैग हर चीज़ आप इसे मतलब डाल सकते हो YouTube Studio से, और देन सेकेंड वन इज क्रोम हो गया, क्रोम ब्राउजर से भी आप लोग उसमें टाइटल टैग ETC कर सकते हो। तो ये कुछ होगा YouTube Studio, मैं आपको दिखा देता हूँ, हाईलाइट कैसे वर्क करता है ये।
जैसे हम लोग का ये चैनल हो गया मिथिलांचल ब्लॉग्स, तो ये कुछ हो गया चैनल। तो इस पर हम लोग जो है ना, जैसे अभी कोई वीडियो नहीं था, कुछ नहीं इसमें डाल सकते हैं, बट अगर आप कोई वीडियो डालिएगा तो यहाँ से आप टाइटल टैग मैनेज कर सकते हो। तो ये बात की बात है। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं क्रोम से कैसे होगा। ये क्रोम हो गया, इसमें हम लोग फिलहाल यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे है, मतलब फोटो आपको नजर आएगा प्रोफाइल पिक, तो वहाँ पे आपको स्विच अकाउंट करना है और आपको इसमें मिथिलांचल ब्लॉग दिख रहा है तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। देन क्रोम में लॉगिन हो चुका वो अकाउंट, तो यहाँ पे आप थ्री डॉट पे यहाँ पर देखिए फिर से प्रोफाइल पिक्चर आएगा, उस पर क्लिक करके माई चैनल पे क्लिक करेंगे और देन कस्टमाइज चैनल पे करेंगे, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। देन YT स्टूडियो कंटिन्यू टू स्टूडियो, मतलब हम डेस्कटॉप साइट से ही करना चाहते हैं। ये मतलब हमको बता रहा है कि आपके मोबाइल में ऑलरेडी यूट्यूब स्टूडियो है, तो आप चाहो तो उससे कर सकते हो या फिर आप मतलब जो डेस्कटॉप साइट है उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब सारा कुछ आ चुका है क्लोज, लाइक हम यहाँ पे डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कहते हैं, वीडियो सब जो भी आप वीडियो अपलोड करोगे वो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कमेंट सब पढ़ सकते हो, जो भी मतलब चैनल का प्लेलिस्ट है, सॉरी कमेंट्स नहीं, चैनल का जो भी प्लेलिस्ट है वो सब आप यहाँ पढ़ सकते हो। यहाँ पे नीचे हो गया आपको एनालिटिक्स, यूट्यूब में से कितना आपको व्यू पर डे आ रहा है, 28 डेज में कितना आ रहा है, आप सब कुछ यहाँ पे नज़र रख सकते हो। देन ये हो गया आपको आई थिंक, कुछ है नहीं मालूम उस बारे में। तो यहाँ पे बता रहे रुकिए, यहाँ पे कमेंट्स हो गया, कमेंट्स आप देख सकते हो। प्रीव्यू के लिए यानी कुछ स्पैम कमेंट होता है तो होल्ड फॉर रिव्यू हो जाता है, तो वो हो गया। यहाँ पे पब्लिश कमेंट रहता है, यहाँ पे कीवर्ड्स हो गया, जैसे कि चैनल का आप जो है ना, मान के चलिए लोग क्या डालेगा तो आपका चैनल आएगा, लाइक कि दरभंगा ब्लॉग्स, मिथिलांचल ब्लॉग्स, मधुबनी, पटना, बिहार, क्या डालेगा तो आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हो चैनल का। देन यहाँ पे कॉपीराइट हो गया, कोई भी अगर आपका कॉपीराइट मटेरियल यूज़ करता है, आपका वीडियो कोई भी यूज़ करता है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका वीडियो यूज़ किया गया है। देन यहाँ पे हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हो गया आपको मोनिटाइजेशन, अभी वेट है, इसमें देर है, बट YouTube आपको यहाँ पे दिखा रहा है आपको मोनिटाइजेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा, तो आपको दिखाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे एडिटिंग सबका मतलब जो हो गया चैनल का डैशबोर्ड ये वो, तो बट ये सब से अभी हमको मतलब नहीं है कोई भी। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे किस में, सोचिए, वीडियोज़ में जाएंगे। देन यहाँ से हम लोग अपने वीडियो का टैग, टाइटल कुछ भी अपना मैनेज कर सकते हैं यहाँ से, समझे नहीं, ये सब हो गया कुछ फंक्शन इससे, ठीक है। और डेस्कटॉप साइट की जहाँ तक बात है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग PC पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वर्क करता है, यही सेम YouTube का प्रोसेस। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, मैं कैमरा से इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कहीं कुछ आप लोग से छूट ना जाए इसके लिए, बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हम कर सकते थे बट कैमरा से बेटर लगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और देन यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, और पहले आप चूज़ कर लीजिए कि आपका ईमेल कौन सा है, समझे, जैसे कि ये हम ऐड अकाउंट करते हैं इसमें, तो इसमें हम एक चैनल डाल देते हैं, लाइक यूज अनदर अकाउंट, और अपना जो भी आपको चैनल डालना हो चैनल पहले लॉगिन कर लीजिए। तो ये कुछ हम लोग का मतलब डेस्कटॉप इंटरफेस आएगा, लाइक आपको यहाँ पे पूरा मतलब क्या कहते हैं, YouTube का जितना वीडियो सब आएगा यहाँ पे, ऊपर आप लोग देख सकते हो ऊपर में यहाँ पे, हाँ आई थिंक आप लोगों को दिख रहा हो, यहाँ पे हम मेरा प्रोफाइल पिक्चर है, तो उसमें प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे, देन माय चैनल पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टमाइज चैनल, सेम टू सेम वही है जो मोबाइल में था ना, लाइक उसी तरह आपको सेम टू सेम यहाँ पे मिल जाता है, और इसमें भी आप कर सकते हो, कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे और चैनल में जितना भी कस्टमाइजेशन करना है ना सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ हो गया डैशबोर्ड चैनल का, यहाँ पे सेटिंग्स हो जाता है बस, यहाँ पे हम लोग को कंट्री पूछ रहा है, कंट्री कौन सा है, तो हम लोग किस कंट्री का वो कंट्री फिलअप करना है, तो यहाँ पे हम लोग इंडिया डाल देते हैं, हम लोग इंडिया के हैं तो इंडिया ही नहीं डालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इंडिया फिलअप कर देते हैं, मतलब छोटा मोटा, फिलहाल तो आपको छोटा मोटा सेटअप करना है, बाद में जब चैनल आपका बड़ा हो जाए तब आपको करना है। यहाँ पे कीवर्ड्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हो कि मेरा चैनल दरभंगा कोई नाम डाले तो मेरा चैनल हाईलाइट होता है, यहाँ पे आप लोग दरभंगा डाल सकते हो, लाइक यहाँ मैंने दरभंगा डाल दिया, दरभंगा कोई भी सर्च करेगा तो आपका चैनल भी आएगा। तो ये हो गया चैनल का, देन अपलोड डिफॉल्ट्स हो गया, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ हो गया, आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, अभी आप बेसिक्स जान लीजिए कि आपको जस्ट वीडियो अपलोड करने के लिए आप चैनल आपका तैयार है। तो दोस्तों ये था कुछ प्रोसेस मोबाइल से और डेस्कटॉप दोनों से चैनल क्रिएट करने का प्रोसेस, और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करूँगा, मैं इसका सेकेंड पार्ट लाऊँगा कि आप वीडियो एडिट किससे कर सकते हो, थंबनेल कैसे बना सकते हो,
टैग टाइटल कहाँ से लगाओगे, बिकॉज ऑफ मोनिटाइजेशन जब आपका चैनल हो जाएगा तो आपके वीडियो पर जो प्रचार दिखाया जाएगा वो आपके टैग पर डिपेंड करता है कौन सा टैग है। जितना अच्छा टैग होगा उतना महंगा प्रचार मतलब दिखाया जाएगा, उतना ज़्यादा आपका इनकम होगा, और कीवर्ड जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपका मतलब वीडियो जो है ना सर्च रिजल्ट में आएगा। जैसे मैंने डाला हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, और मेरा टैग टाइटल और क्या कहते हैं कीवर्ड अच्छा है तो मेरा वीडियो रैंक करेगा और नंबर वन सर्च रिजल्ट में आएगा, समझे। और वर्ल्ड का कहा जाता है गूगल के बाद यूट्यूब ही सेकेंड सर्च इंजन हो गया। ये जो आप पीछे चलते हुए देख रहे हो यूट्यूब, मेरा ही चैनल चल रहा है क्या? हाँ मेरा ही है, ये मीटियोर का 350 वाइब्रेशन टेस्ट कर रहे थे उसका वीडियो है। तो कहना ये चाहेंगे कि यूट्यूब जो हो गया ना आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर आके आप लोग अपना कला दिखा सकते हो, और किसी मोबाइल की क्या कहते हैं उसको किसी महंगे मोबाइल का जरूरत नहीं है। आप इससे भी इस मोबाइल से मैं आपको बताऊँगा, फिलहाल मोबाइल से ही बताऊँगा कि इस मोबाइल से आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, इसी से आप एडिट कर सकते हो, इसी से अपलोड कर सकते हो, एंड देन एडसेंस भी इसी से आप क्रिएट करके अपना मोनेटाइजेशन घर तक पेमेंट मंगवा सकते हो। जब यूट्यूब से पेमेंट आ जाए तब आप पीसी खरीद लेना, कैमरा खरीद लेना, माइक खरीद लेना, जितना भी आपको खरीदना उन खरीद लेना, और बस यही बोलेंगे। और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बन चुका है इसलिए मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ नहीं बताई। जैसे आपको अभी आप कस्टम थंबनेल नहीं लगा सकते, कस्टम थंबनेल मींस डैट कि आप थंबनेल जो है ना अपने मन चाहा नहीं लगा सकते इस वीडियो में, उसके लिए आपको मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना पड़ता है, वो दो मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम नहीं मतलब कि जैसे कि OTP आता है, आप जैसे अपना नंबर देते हो ना तो उस पर OTP भेजा जाता है और वेरीफाई हो जाता है। देन डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होगा, अपलोड डिफॉल्ट्स क्या होता है कि उसमें आप मतलब कि पहले से लिखे रहोगे, जब भी कोई वीडियो अपलोड करोगे ना थ्रू PC मोबाइल से नहीं, जब आप PC से अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगा, उसको अपलोड डिफॉल्ट्स कहते हैं। वो सभी मैंने अभी नहीं बताया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यही बोलेंगे इस वीडियो में, इतना ही रखते हैं छोटा सा वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल या सुझाव या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इस टॉपिक का वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।